यह है एक हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर के सीपीयू में लगी होती है और इसमें जो है हम फाइल्स और डेटा को स्टोर करके रखते हैं। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जो आपको इसको ही टियर डाउन करके बताऊंगा, मतलब पूरा ओपन करके बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो फ्रेंड, यह है सैमसंग की तरफ से आने वाला 160 GB का एक हार्ड डिस्क और इसको ही आज के इस वीडियो में ओपन करके बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको जो इसके बारे में सभी कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन से कंपोनेंट को इसके अंदर से निकाल सकते हो और कौन कौन से कंपोनेंट को इसके अंदर से नहीं निकाल सकते हो। सो आज के इस वीडियो को आज चलो करते हैं शुरू। सो लेट्स बिगिन बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रू ड्राइवर का सेट ले लिया है जिसके अंदर हमको मल्टीपल साइजेस के यहाँ पर बिट देखने को मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग डिजाइन के। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो हमारा स्क्रू है उसके मतलब जो सिर पे कौन किस तरह के यहाँ पर जो हमारा स्क्रू बिट है फिट होंगे उस तरह से पहले चेक कर लेना है। देन चेक करने के बाद मैं इसको स्क्रू ड्राइवर में लगा के इन सभी स्क्रू को जो है अच्छी तरह से ओपन कर लूँगा इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो इसको मतलब ओपन करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जस्ट इसको आपको जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और ये जो है ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देख सकते हो इन सभी स्क्रू को ही निकाल लेना है। तो यार इन सभी स्क्रू को मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद चलो अभी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो है और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यार इन सभी स्क्रू को निकालने के बाद अब हमारा जो पीसीबी बोर्ड है ना वो फ्री हो गया है और इसको जो है हम यहाँ पर अभी निकाल सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर एक क्लिप की मदद से यहाँ पर उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्लेट में जो है कुछ नीचे के साइड में कुछ है नहीं, बस ऊपर ही जो था वो था और बाकी ये जो चार पिन निकले हुए तो ये जो है बेसिकली हमारे यहाँ पर BLDC मोटर जो ब्रशलेस मोटर है उसको जो है पावर सप्लाई देता है और रन करता है, ठीक है। तो और अभी देख सकते हो इस हार्ड डिस्क में बाकी कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। जब उसके बाद यहाँ पर एक फोम का पीस लगा हुआ है, तो ये पता नहीं क्या चीज़ है और किस चीज़ के लिए लगा हुआ है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पर लिखा है वारंटी वाइड इफ रिमूव्ड, तो इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि हमारा हार्ड डिस्क पहले ही खराब हो चुका है। अगर आपका हार्ड डिस्क अच्छा है काम कर रहा है तो यार ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो मैं इसको जो है निकाल देता हूँ एंड अभी यार देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है और इसके अंदर जो है हमको जहाँ पर डिस्क प्लेट होती है ना वो भी देखने को मिल रही है हमको। तो अभी इस स्टिकर में फिर से लगा देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर देखो साइड में कुछ पिन है, छोटे छोटे पिन है। सो बेसिकली ये जो पिन है ना हमारा जो ग्रीन वाला बोर्ड मैंने निकाला उसको जो है मेन रीड राइट मैकेनिज्म से कनेक्ट करती है जो इसके इस हार्ड डिस्क के अंदर है, उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर इन सभी पिन पर जो है वो सभी पिनें कनेक्ट होती हैं इस PCB से। सो चलो अभी आगे का हम जो है इसके हार्ड डिस्क के जो है अगले पार्ट को ओपन करते हैं। सो इसमें जितने भी स्क्रू लगे हैं उसको मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिर से ओपन कर लेता हूं और यहां पर फिर से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं चाहूँ तो इसको स्किप भी कर सकता लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि आज मैंने जो है कुछ भी अलग से मतलब कुछ वीडियो से छिड़कानी नहीं की है ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि मैं जो भी चीज़ें मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो 100% रियल है। सो फ्रेंड यहाँ पर देखो मैं इसको ओपन कर रहा था स्क्रू सभी हटाने के बाद लेकिन फिर भी ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर सेंटर में भी एक स्क्रू लगा हुआ है। तो मैं सबसे पहले स्टिकर को निकाल दूंगा और यहाँ पर जो स्क्रू लगा हुआ है ना तो उसको भी मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देन उसके बाद अभी जो है इसको निकाल लूँगा लेकिन यार अभी भी बहुत अच्छी तरह से चिपका हुआ है क्योंकि इसके अंदर एक रबर की प्लेट लगी हुई है। तो वो जो आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से लगा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको चेक करके बता रहा हूँ कि साइड में भी कहीं स्क्रू तो नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर साइड में भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है, एक स्टिकर था उसके नीचे भी यार स्क्रू वगैरह लगा देते हैं कंपनी वाले। तो लेकिन यार इसको ओपन करते समय देख लेना कहीं भी स्टिकर के नीचे कोई स्क्रू वगैरह तो नहीं है। सो अभी जो है यार इसको ओपन करता हूँ और देख सकते हो जो मैंने बताया ना आपको कि इसके अंदर एक रबर लगा रहता है तो ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हो ना ये जो इसको टाइट करके रखता है इसको डस्ट प्रूफ बनाता है ताकि इसमें मतलब बिल्कुल भी कचरा ना आ जाए थोड़ा भी। तो अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ। उसके बाद अंदर देख सकते हो हमारी डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है, एकदम मतलब शीशे की तरह चमकती है जैसे कि मतलब इसके आप एकदम मिरर में देख रहे हो, पूरा एकदम क्लियर रहता है, इसमें बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं। ये ऊपर से जो आ गया ना मतलब जैसे मैंने ओपन किया वो जो एटमोसफियर बाहर का जो थोड़ा सा हवा में रहता है ना कचरा वो जो इसके ऊपर आ जाता है तो यार ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर इसको ओपन कर रहे हो, अगर वर्किंग हार्ड डिस्क को अगर ओपन कर रहे हो तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना है ये चीज़, ठीक है। तो अभी मैं यार इस जो हार्ड डिस्क का जो प्लेट था उसके जो यहाँ पर शाफ्ट कनेक्टर उसको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो उसके ऊपर भी स्क्रू लगे हुए हैं तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये जो है निकाल दिया मैंने और इसका शाफ्ट जो यहाँ पर BLDC मोटर का जो है शाफ्ट यहाँ पर बाहर आ जाएगा और ये जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है बहुत ही हल्का है तो इसको मैंने उठा के साइड में रख दिया है। उसके बाद इसका डिस्क प्लेट निकालना है लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या करना है जो रीड राइट वाला मैकेनिज्म है ना इसको निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है और जितने भी पॉसिबल स्क्रू है ना उन सभी
इसको मैं सबसे पहले निकाल देता हूँ। एंड निकालने के बाद अब जो है चलो इसको निकालने का ट्राई करते हैं हम लोग। तो इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अगर आपको पूरा प्रोसेस नहीं पता है तो अच्छे से यार इस वीडियो को यार ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें यार बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया एक्सप्लेन करके किस तरह से ओपन कर सकते हो। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको जो ओपन करके बता रहा हूँ क्योंकि ये ख़राब हार्ड डिस्क है। अगर आप वर्किंग हार्ड डिस्क ओपन कर रहे हो तो किस तरह से ओपन कर सकते हो उसके बारे में भी आप समझ जाओ ये इस वीडियो को देख कर। तो अभी चलो यार इसको निकालता हूँ, लेकिन ये निकल नहीं रहा था। तो सबसे पहले क्या करना है कि नीचे भी एक स्क्रू लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, जो पिन वाला पार्ट था ना जो आपको दिखाया जो पीसीबी से कनेक्टेड था, तो पहले उस पार्ट को ही ओपन कर लेता हूँ। और देख सकते हो ये जो है पार्ट यहाँ पर बाहर आ चुका है, और इसके अंदर भी छोटे छोटे जो पिन लगे थे ना वही जो यहाँ पर आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी कैसा है कि यहाँ पर अभी जो रीड राइट वाला पार्ट है वो जो थोड़ा सा बाहर आ गया, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ड डिस्क प्लेट है वो जो है फ्री हो गई है। तो मैंने जो ये पिन वाला पार्ट निकाला इसकी वजह से वो हार्ड डिस्क वाला प्लेट जो है वो फ्री हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, और अभी देख सकते हो यार देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा। मुझे टच करने का भी मन नहीं कर रहा है इसको, मैं इसको साइड से टच कर रहा हूँ और इसको ऊपर से नहीं टच कर रहा हूँ ताकि इस पर मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह ना आ जाए। तो यार इसका थिकनेस मैं आपको चेक करके बताता हूँ, लगभग जो है 1.5 mm का है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है बेसिकली। और देख सकते हो यार इसमें किस तरह से डेटा स्टोर होता है इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है, लेकिन यार देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त चीज़ लग रही है। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी साइड में रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चेहरा दिखाता हूँ अपना तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन से ही इसकी शूटिंग कर रहा हूँ। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ फिलहाल, और चलो आगे दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर BLDC मोटर लगी हुई है उसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं तीन स्क्रू को जो यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर तीन स्क्रू ही लगे हुए हैं बेसिकली, तो इनसे भी तीनों स्क्रू को ओपन करने के बाद हमारा BLDC मोटर जो है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने BLDC मोटर को जो है बाहर निकाल दिया है, और इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है देख सकते हो यार, और बहुत ही मतलब बेसिकली ये हैवी भी है थोड़ा सा देखने में, और अब कितना मस्त तरीके से ये फ्रीली घूम रहा है आपको मैं मतलब बता ही सकता हूँ, दिखा रहा हूँ लेकिन आपको कुछ समझेगा नहीं जब तक आप उसको हाथ में लेके खुद ट्राई नहीं करोगे। बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है। तो फिलहाल यार इसकी भी क्वालिटी बहुत ही मस्त है, क्योंकि यार इन सभी कंपोनेंट में यार जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं बेसिकली इस हार्ड डिस्क में उन सभी की क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन है। तो फिलहाल उसको मैं साइड में रख देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पर एक साइड में जो है चारकोल टाइप में कुछ रखा हुआ है जो कि इस वाइट टेप बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो इसके अंदर रखा हुआ है। अभी किस लिए है मुझे पता नहीं, शायद ये थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह अब्जॉर्ब करने के लिए है, ताकि मे भी थोड़ा मतलब एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा जो ठंडी गर्मी होती है ना उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए शायद से होगा, मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। तो अभी जो रीड राइट वाला मैकेनिज्म इसको निकालने के लिए ट्राई करता हूँ मैं। तो यहाँ पर यार इसको मैंने बहुत ट्राई किया बट ये निकल नहीं रहा था। यहाँ पर जो पीछे वाला स्क्रू है मैंने इसको भी निकाल दिया, और इसको निकालने के बाद मैं जो इसको फिर से एक बार ट्राई किया कि क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली इसमें एक मैग्नेट लगा रहता है जो कि होता है नियोडाइमियम मैग्नेट्स, और ये वाले मैग्नेट जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं ऊपर वाला पार्ट तो निकाल दिया काफ़ी आसानी से, बट नीचे वाला पार्ट निकल नहीं रहा था क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो शायद इसके मेन फ्रेम से ही कनेक्टेड है। तो मैंने उसको बहुत ट्राई किया निकालने का बट नहीं निकला, तो ये ऊपर वाला पार्ट ही निकला जिसके में जो है नियोडाइमियम मैग्नेट लगा हुआ है, और ये मैग्नेट यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इस तरह के मैग्नेट जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे भी बिकते हैं। तो देख सकते हो अभी यार इससे ज़्यादा मैं इसको ओपन करके नहीं बता सकता आपको। सो फ्रेंड अभी देख सकते हो इसके अंदर अभी जो रीड राइट वाला मैकेनिज्म है ना उसके आपको थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देता है। तो देख सकते हो कुछ यहाँ तक आपको थोड़ा सा आई थिंक गोल्डन कलर में दिख रहा होगा पार्ट, थोड़ा सा कॉपर का पार्ट है, और थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कार्बन या फिर कोई तो ब्लैक पार्ट दिख रहा हो, पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ, मुझे उसके बारे में एक्चुअली में नहीं पता है। मैं जस्ट जो आपको ये इस वीडियो में बता रहा हूँ कि यार कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में आपको बताया। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप गूगल पर सर्च करके पूरा आप इसके बारे में हर एक कंपोनेंट के बारे में पता कर सकते हो। और यहाँ पर देखो तो मैंने आपको सभी कंपोनेंट यहाँ पर ओपन करके बता दिए, इसमें बहुत सारे स्क्रू लगे हुए थे, यहाँ पर सभी आपको कंपोनेंट दिखा दिए कि मैंने इसके अंदर से क्या कैसे कौन कौन से कंपोनेंट बेसिकली निकाल पाया हूँ, और इन सभी कंपोनेंट के बारे में आपको बता पाया हूँ। सो आई होप कि यार आपको यार पूरा प्रोसेस समझ में आया रहेगा, मैंने जो आपको वीडियो में बताया आपको थोड़ा सा पसंद आया रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड, और चलो अभी इन सभी कंपोनेंट्स को जो है फिर से इनकी जगह पे फिक्स कर देते हैं। सो फ्रेंड आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो फ्रेंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।